बुद्धिबुद्धि थाना क्षेत्र के रुईखैरी शिवार में गुरुवार की सुबह वेणा नदी में अज्ञात महिला व पुरुष का शव मिला था। बुद्धिबुद्धि पुलिस व एलसीबी ने संयुक्त रूप से जांच करते हुए दौले हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में दो सगे भाइयों समेत कुल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतकों की शिनाख्त बिहाड़ी कारंजा घाटके निवासी उत्तम सुरेश बोर्ड के उम्र 31 और सोनेगांव मुस्तफा निवासी सविता गोवर्धन परमार उम्र 38 के रूप में हुई है। पुलिस ने उत्तम के सगे भाइयों राहुल सुरेश बोर्ड के उम्र 27 और खुशाल सुरेश बोर्ड के उम्र 29 और हत्या में सहायता करने वाले विजय बसंतराव बोर्ड के उम्र 30, आकाश अशोक राउत उम्र 24 को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उत्तम ने अपनी पत्नी को छोड़कर खेत में काम करने वाली सविता से भागकर शादी की थी। ऐसे में राहुल और खुशाल समाज में बदनामी होने के कारण गुस्से में थे। वही खेती में हिस्सेदारी को लेकर भी उनमें विवाद जारी था। इसके चलते दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार उत्तम और सविता बिहाड़ी गांव में ही रहते थे। खेत पर काम करने के दौरान शादीशुदा उत्तम के सविता से अवैध संबंध बन गए। दोनों गांव से भागकर हिंगना तहसील के तहत इसासनी गांव में रहने लगे। उत्तम की इस हरकत से राहुल व खुशाल की शादी नहीं हो पा रही थी। वही तीनों भाइयों में पैतृक संपत्ति को लेकर पुराना विवाद भी चल रहा था। राहुल और खुशाल ने कई बार उत्तम से सविता को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। राहुल और खुशाल ने अपने दोस्त विजय और आकाश की मदद से उत्तम को खत्म करने की योजना बनाई। दोनों ने उत्तम को खेती की हिस्सेदारी के बहाने बियाड़ी गाँव में बुलाया। इस दौरान सविता भी साथ में थी। चारों आरोपियों ने दोनों की हत्या कर सबूत मिटाने के इरादे से करीब 30 किलो वजनी पत्थर के साथ दोनों का शव बांधकर वेणा नदी में फेंक दिया। कार्यवाही नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल माकणीकर के नेतृत्व में की गई। बूटीबोरी एरिया में वेणा नदी में दो शव मिले थे परसों रात के समय। उसमें दो जो शव है, एक उत्तम और दूसरा उसका उस सविता करके उत्तम बोर्डखे और सविता परमार, ये दोनों का अभी कुछ घंटे पहले उनका आइडेंटिफाई हो रहे थे और उसमें उनके घर वालों ने ही उसका मर्डर किया है, ऐसा अभी तक के तपास में आया है। इसमें पहले जो स्पॉट है, स्पॉट में जो जगह पे उसने उनको बांध दिया था और नदी में फेंक दिया था, कल पूरा तपास हमारे टीम ने किया, एलसीबी और पुलिस स्टेशन के तपास टीम ने पूरा उसमें जायज़ा किया और उसमें ऐसा मिला कि उनका जो मयत है उनके सगे भाई ने ही उनका मर्डर किया है। इसमें दो पॉइंट है, एक पहला वो जमीन का इश्यू है, उनकी जो उत्तम बोड़खे की और वो उनके भाई के जमीन के बाद में कुछ झगड़ा चालू था, और दूसरा कारण ये था कि इन्होंने खुद की बीबी छोड़ के दूसरी औरत को उसने रखा था और इससे वो बदनामी हो रही थी गांव में और इसका उनकी शादी नहीं हो रही थी। अभी तक चार आरोपी का तपास में अभी हुए और चारों भी हमारे था। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से किया गया कि ये जो लोग थे उनके हाथ के ऊपर टैटू था, ये टैटू के माध्यम से हमने पूरा वायरल किया, उनके सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में उसको वायरल किया था। और वैसे ही उसके कुछ मालूमात पुलिस को मिल रही थी कि वो नागपुर के ही बर्डी के एरिया में रहते थे और वहाँ से वो एक दिन पहले से यहाँ से निकल चुके थे, तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो वही लोग हैं, तो उसके बाद पुलिस ने तहकीकात से वो निकाल दिया। नहीं, वहाँ नहीं पहुँचे, इधर जो मयत और उनकी बीबी है वो यहाँ से निकले और वो कारंजा जा रहे थे, वो बीच में उन्होंने उनसे साथ ये हो गया और फिर उनको ताबे में लेके उनको मार दिया।